हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड नोट्स डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमारी जो बुक चल रही है उसकी मैंने अभी तक 4, 5, 6 वीडियो अपलोड कर दी। उस सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की हमारी वीडियो है किशोरावस्था। तो हमारे साइकोलॉजी, जब हम बीएड में पढ़ते हैं तो उसमें हम हर तरह का व्यक्ति तत्व के बारे में पढ़ते हैं। किशोरावस्था, बाल अवस्था, शैशव अवस्था, सारी अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, हम बीएड में साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, ताकि हमें बच्चों की जो मनोस्थिति है वो हमें पता हो, इसलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो है हमारी किशोरावस्था, यानी कि किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं, या किशोरावस्था प्रबल दबाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है, ये किसने कहा, या क्या कैसे किशोरावस्था होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। और वीडियो जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए और इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। जो लोग भी बीएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी ये सारी वीडियोज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलती हैं बीएड से रिलेटेड वीडियो, सोशोलॉजी से रिलेटेड वीडियो। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो किशोरावस्था तनाव, दबाव, तूफान तथा उलझन की अवस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस बने हुए आते हैं जब आप बीएड का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो बीएड में नहीं बल्कि सीटेट में भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप साइकोलॉजी आप लोगों को ज़रूर पढ़नी होती है जब हम सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, और उसमें भी जो बाल विकास के क्वेश्चंस आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो बीएड के नोट्स हैं वो आपको सीटेट क्लियर करने में भी हेल्प करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, प्रस्तुत कथन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनन हॉल का कहना है कि यह कथन किशोरावस्था से जुड़ी हुई प्रमुख समस्याओं से संबंधित है। किशोरावस्था जीवन की बड़ी नाजुक अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर लड़के लड़कियाँ एक नाजुक मोड़ पर होते हैं। किशोरावस्था 15 साल, 14 साल, 12 साल, 13 साल, 16 साल, 18 साल, 20 तक किशोरावस्था हमारी चली आ रही होती है। तो 20-21 साल जो होता है हमारा, वो पूरा टाइम किशोरावस्था का होता है। इस अवस्था में उनमें संवेगों की बड़ी तीव्रता होती है और उन्हें आत्मसम्मान और अपनी प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता रहती है, और एक तूफान सा उनके मन में चलता रहता है ना। हम सब लोग इस सिचुएशन से गुजरे हैं। हमारे टाइम में भी टीनेजर्स हमारी जो उम्र थी वो आई थी, और उसमें हम लोगों के मन में भी काफ़ी जागरूकता होती थी, हर चीज़ का जानने की कोशिश हम लोग करते थे, तो वही सारी चीज़ें। लेकिन एक सेटलमेंट हमारी लाइफ में तब आता है जब हम बहुत सारी चीज़ों को कर चुके होते हैं और पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है, शादी हो चुकी होती है, हम पेरेंट्स बन चुके होते हैं। तो एक सेटलमेंट्स आ जाता है हमारी लाइफ में कि अब हमें सिर्फ ये चीज़ें ही करनी होती हैं। बट किशोरावस्था में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। हमें मन करता है कि हम ये भी करें, हम घूमें फिरें, हम अच्छा फैशन करें, हम अच्छे दिखें, हमें सब लोग जाने पहचाने, हर तरह का एक माहौल हमारी लाइफ में होता है। तो किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था है। किशोरावस्था इन्हीं समस्याओं के कारण हॉल ने इसे तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल कहा है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। स्वतंत्रता की समस्या, किशोरों को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, वे नए नए स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड, जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं तो वही आप देखिए, उतना ही आप पढ़िए, उतना ही देखिए, उतना ही नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जितना चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उसमें ही आपका नोट कवर हो जाता है। उन्हें एक स्थान में बंद कर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो माता पिता किशोरों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दबाते हैं, उनके बालकों में बेचैनी और निराशा उत्पन्न हो जाती है। फिर सेकेंड है हमारा स्थिरता एवं समंजस की समस्या। जिस प्रकार शिशु की मन स्थिति स्थिर नहीं होती, उसी प्रकार किशोर बालक बालिकाओं में भी अस्थायिकता होता है। उनका व्यवहार बहुत ही परिवर्तनशील होता है। ठीक है, शिशुओं की तरह जो किशोर होते हैं वो चंचल होते हैं। उन्हें उन्हें ये भ्रांति होती है कि वे दूसरे व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र है। शिशु की भांति उन्हें अपने चारों ओर के वातावरण में समंजन करना पड़ता है। वातावरण में समंजन में कठिनाई उसके शारीरिक और मानसिक विकास के कारण भी होती है। समंजन की समस्या के कारण कभी कभी उनका व्यवहार अवांछनीय और अशोभनीय भी
हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि कई बार जो टीनेजर्स लड़कियां होती हैं वो काफ़ी मेकअप कर लेती हैं या ऐसी ड्रेसेस पहन लेती हैं जो उनके ऊपर नहीं भी अच्छी लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि टीनेजर्स में ये चीज़ें होती हैं। उनको लगता है कि हमें लोग देखें, हमें लोग जानें, उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि हम अच्छे लगने चाहिए। विरोधी मनोभाव की समस्या। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं में विरोधी मनोभाव चरम सीमा पर होते हैं। किसी भी क्षण में बहुत ही सक्रिय दिखाई देते हैं और किसी भी क्षण अत्यधिक आलसी और निष्क्रिय है। कभी भी अत्यधिक उत्साहित परिपूर्ण विरोध के भोगोतक होते हैं। वीएन छा के अनुसार हमारे सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है, परंतु किशोरावस्था में व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। आपने देखा होगा जो टीनेजर्स होते हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो हर चीज़ को ना हमें अपनी मर्जी से करना है, ना हमें अपनी मर्जी से करना है, आप नहीं हम करेंगे, आप हमारी ड्रेसेस पसंद नहीं करेंगे हम करेंगे, मतलब उनकी हर चीज़ उनको अपने आप की करनी होती है, उनको किसी और का दबाव पसंद नहीं आता। जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा की समस्या। किशोरावस्था में उत्तरार्ध में जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है जब किशोर बालक बालिकाएं प्रौढ़ जीवन विषयक ज्ञान की खोज में लग जाते हैं। विपरीत लिंग के लोगों के संबंध में उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, मतलब लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि उनके विषय में प्राप्त होने वाले अनुभव रुचिपूर्ण और आनंददायक होते हैं। किशोरों की जिज्ञासा का उचित समाधान अति आवश्यक है। तो अगर आपके घरों में भी टीनेजर्स हैं तो उनको आपको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, उनकी बातों को पहले सुने फिर उन पर रिएक्ट करें। आत्मगौरव की समस्या। किशोरावस्था में आत्मगौरव की भावना का विकास होता है। इसका प्रमुख कारण उनके अंदर नवीन दृष्टिकोणों का विकसित होना है। वे जहाँ भी होते हैं अपना सम्मान चाहते हैं। परिवार में, विद्यालय में, समूह में वे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। कक्षा में मॉनिटर, खेलों में कप्तान, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिषदों और कार्यक्रमों में वे कोई ना कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उनकी आत्मगौरव की भावना की संतुष्टि हो। इस समस्या को दूर करने के लिए किशोरों को उनका उचित साथ दिए जाने की आवश्यकता है। फिर आता है हमारा आत्मनिर्भरता की समस्या। इस अवस्था में किशोर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है, दूसरे वे ये मानने लगते हैं कि वे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। उनके अनेक किशोर धन प्राप्ति के लिए अनैतिक और आपराधिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि लोग छोटे छोटे बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं, पैसा कमाने के लिए गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं और अपना लाइफ जो है वो स्पॉइल कर देते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए उनको समुचित निर्देशन दिया जाना चाहिए। कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या। किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाएं कल्पना जगत में विचरण करते रहते हैं, मतलब इमेजिनेशन पावर में रहते हैं वो। वास्तविक संसार से उनका कोई सरोकार नहीं होता, वे अपना अलग ही कल्पना का संसार सजोए रहते हैं और अपने ड्रीम्स में खोए रहते हैं। माता पिता और शिक्षकों को चाहिए, मतलब टीचर्स को चाहिए कि उनकी कल्पना को क्रिएटिविटी कार्य में लगाएं, मतलब जो उनकी जो इमेजिन करते हैं वो चीज़ें, उनको क्रिएटिविटी चीज़ें करवाएं ताकि वो किसी चीज़ में अपने आप को लगाए रखें। व्यवसाय चयन की समस्या। किशोरों की एक प्रमुख समस्या व्यवसाय का चुनाव करने की होती है। वे इस अवस्था में अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय को चुनने, उनके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने, उनकी उन्नति के लिए अत्यधिक चिंतित रहते हैं। वे साधारण व्यवसायों को पसंद नहीं करते, अपितु ऐसे व्यवसायों को चुनना चाहते हैं जो उनकी योग्यता से बहुत ऊंचे होते हैं। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या। किशोर बालक बालिकाओं को के सामने नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। समस्याएं भी अत्यंत कठिन होती हैं। माता पिता और शिक्षक का कर्तव्य है कि किशोरों के आत्मसम्मान को बनाए रखने, उनकी उचित इच्छाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सहायता करें। यौन समस्या। इस अवस्था में किशोर बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति की प्रबलता के लिए एक बड़ी समस्या है। कोई भी किशोर लड़का लड़की इसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। किशोरावस्था के विकास की अवस्थाएं। स्वप्रेम। इस अवस्था में लड़के लड़कियां दोनों ही अपने शरीर आकार, प्रकार और लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक रुचि लेते हैं। लड़कों को अपने शरीर को हष्टपुष्ट बनाने में, पेशियां उभारने और व्यायाम करने का अधिक शौक पैदा होता है। लड़कियां अपने शरीर की सुंदरता, चेहरे मोहरे की बनावट, रंग आदि में ज़्यादा रुचि लेने लगती हैं, मतलब उनमें अपने आप को सजने संवरने में बात ज़्यादा
कपड़े अच्छे अच्छे पहनने में उनकी उनके ये ज़्यादा इन चीज़ों में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त वे कृत्रिम तरीकों से अपने काम प्रवृत्ति की संतुष्टि यानी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो और भी चीज़ें ऐसी गलत करते हैं। फिर समलिंगिकता कामुकता, इस अवस्था में किशोर लड़के लड़कियां अपने ही लिंग के दूसरे साथियों सहेलियों के साथ प्रेम करने में रुचि लेते हैं। वे अपने साथी सहेलियों के साथ अधिक से अधिक घूमना खाना और बातचीत करना पसंद करते हैं। लड़के लड़कियों के साथ अपनी जो भी उनकी प्राइवेट चीज़ें होती हैं प्राइवेट बातें होती हैं उनको शेयर करते हैं। तो और हम फिर बढ़ते हैं विषम लिंग कामुकता, इस अवस्था में किशोर लड़के लड़कियां अपनी काम वासना की तृप्ति अपने से विपरीत लिंग वाले के साथ करते हैं। किशोर लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं, परस्पर प्रेम करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, साथ में घूमते हैं, उनमें रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो उस उम्र में बच्चे करने टीनएजर्स में ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स को ये चीज़ें समझानी चाहिए कि क्या सही टच क्या कौन सा टच गलत है और कौन सा टच सही है, ये चीज़ें उनको समझानी जरूरी हैं। फिर आता है निष्कर्ष के इस प्रकार किशोरावस्था में किशोर लड़के लड़कियों के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए इस अवस्था की समस्याओं की आयु को एज प्रॉब्लम्स कहा गया है। हर लॉक ने निष्कर्ष निकाला है कि किशोरावस्था की अधिकांश समस्याएं मुख्यतः शारीरिक दिखावट, स्वास्थ्य, परिवार और परिवार से बाहर लोगों के साथ के संबंधों, विषमलिंगता वाले संबंधों, कॉलेज स्कूल कॉलेज के कार्य, भविष्य की योजना जैसे शिक्षा, व्यवसाय, चयन, जीवन साथी का चुनाव और यौन नैतिक व्यवहार, धर्म और अर्थ से संबंधित होती हैं। इन समस्याओं के कारण किशोर लड़के लड़कियों में जिज्ञासा, उत्सुकता, अनिश्चितता या भय या भ्रांति यानी कि शक, विषाद आदि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये थी उनकी किशोरावस्था की समस्याएँ और उनके समाधान। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।